का आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करने में PIO द्वारा यदि RTI कार्यकर्ता या सूचना मांगने वाले आवेदक को अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है या उसे गलत ढंग से फंसाने का काम किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय या अपने अपने राज्य के उच्च न्यायालय में कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं 2017 से RTI में काम करता आ रहा हूं और इस बीच मैंने कई पुलिस पदाधिकारी के भ्रष्टाचार के कारण पद के दुरुपयोग का रिपोर्ट का खुलासा किया है, जिस कारण वे सभी PIO और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी मिलकर मेरे साथ घटना करवा दिए और मेरी हत्या करने का भी प्रयास किया गया था, और इतना ही नहीं मुझ पर ही झूठा FIR भी दर्ज करवा दिया गया। इसलिए भ्रष्टाचार के कारण वो लोग कुछ भी छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, अगर सूचना मांगने के कारण कोई परेशान कर रहा है, हालांकि यह अधिकांश में नहीं होता है, लेकिन जब बड़े स्तर से भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाता है या बड़े बड़े अधिकारी इसमें पकड़ाते हैं, उनके झूठ या भ्रष्टाचार का खुलासा होता है रिपोर्ट का, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने के कारण अगर RTI कार्यकर्ता या आवेदक को किसी भी तरह की कोई परेशानी पदाधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसकी शिकायत आप लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे आपको भी पूरी तरह अच्छी तरह इसकी जानकारी हो सके। मैं यहाँ पुलिस विभाग के कई पदाधिकारी के खिलाफ मैंने यह शिकायत किया है। कई पुलिस पदाधिकारी मिलकर मेरे रिपोर्ट को दबाया गया था और भ्रष्टाचार के कारण झूठा रिपोर्ट कर दिया गया था, जिसका खुलासा सूचना आयोग में द्वितीय अपील के सुनवाई के दौरान हुई है, जिसमें दोषी पर कार्रवाई करने का भी आदेश प्राप्त है। फिर भी लोक सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे और मेरी हत्या की नियत से घटना को अंजाम दिलवा चुके हैं, और इतना ही नहीं वो मुझ पर ही झूठा FIR भी दर्ज करवा चुके हैं। इसी संबंध में मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय को एक शिकायत बाद दायर किया है। आप लोग देखें किस प्रकार माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करवा सकते। मैं एक दिव्यांग हूँ और 2017 से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ। आप लोगों का मुझे सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। मैं शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ और इस चैनल का नाम भी अगेंस्ट करप्शन रखा है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट अवश्य करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और आप लोगों को भी उपयोगी जानकारी मिल सके, जिससे आप लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, जिससे भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे शिकायत बाद दायर करेंगे। विषय में मैं बताया आप लोगों को कि मैं दिव्यांग हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ, तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बात दायर करने के संबंध में प्रसंग है। भ्रष्टाचार के कारण पद का दुरुपयोग कर पक्षपात करते हुए मूल दिव्यांग के परिवार को प्रताड़ित कर झूठा आलमनगर थाना रतवारा OP जिला मधेपुरा कांड संख्या इतना इतना में फंसाने के संबंध में, जबकि हत्या करने की नियत से लूटपाट मारपीट कर बेहोश करने की घटना मेरे साथ हुई, लेकिन मेरे आवेदन पर FIR दर्ज नहीं किया गया।
उल्टा ही मुझ पर FIR दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि मैंने RTI के कारण बहुत से पुलिस पदाधिकारी के झूठे रिपोर्ट का खुलासा किया है। तो आप लोग देख रहे हैं, मैं आवेदक हूं, इसलिए अपना नाम पूरा पता लिख दिए। परिवादी आवेदक परिवादी भी कहलाते हैं, अगर बात दायर करते हैं तो बनाम या कई भी पुलिस पदाधिकारी का नाम है। आप लोगों को भी जिस भी पदाधिकारी से शिकायत हो, चाहे वह पुलिस डिपार्टमेंट का हो या किसी भी विभाग का हो, अगर आपको झूठा फंसाया जा रहा है, तो इसी प्रकार जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, जो PIA हो या किसी भी पद पर हो, वो इसका नाम पूरा पता आप पिन कोड सहित लिख देंगे। मैंने यहाँ थाना से लेके SP तक की शिकायत की है और यहाँ लिख देंगे लोक सेवक परिवादी। PIO जो होते हैं लोक सेवक होते हैं, उनको जनता की सेवा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारे देश में जो है ये लोग भ्रष्टाचार के कारण केवल लूटते हैं, और जब भ्रष्टाचार का उजागर किया जाता है तो उन्हें ही परेशान कर हत्या भी करवा दी जा सकती है। तो आप लोग देखें, मैंने यहाँ खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत किया। आप लोग भी इसी तरह लिख लेंगे और अपना इस भी लोक सेवक के विरुद्ध आप शिकायत करेंगे, उसका साक्ष्य आप लोगों के पास होना जरूरी है। तो मैंने पहला जिसको बनाया था अभियुक्त मैंने लोक सेवक जो है उसके विरुद्ध जो पॉइंट टू पॉइंट शिकायत है, जो साक्ष्य है, उसके आधार पे मैंने यह पॉइंट टू पॉइंट शिकायत किया है। आप लोग देखें ध्यान से, मैंने कई पॉइंट में शिकायत किया है और आप लोग भी इस प्रकार अपना पॉइंट टू पॉइंट आवेदन लिखकर कर सकते हैं। जिन्हें कोई समस्या हो या कुछ पूछना हो तो वो कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, और दूसरे के विरुद्ध जो है तो उसके विरुद्ध में भी जो पॉइंट टू पॉइंट है वो लिखेंगे, तीसरे के विरुद्ध जो है उसके विरुद्ध में भी लिख सकते हैं। जिस तरह जिस भी के खिलाफ आप लोग लिखेंगे उसके खिलाफ जो है आप लोग भी, या मैं DSP के खिलाफ भी मैंने यह रिपोर्ट लिखा है और SP के खिलाफ भी मैंने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है पटना हाई कोर्ट में। तो आप लोग भी इस तरह जिस भी पदाधिकारी के खिलाफ जो भी सबूत हो साक्ष्य हो, उसके आधार पे आप पॉइंट टू पॉइंट आप बात लिख करके आप लोग इसकी शिकायत करेंगे, और साथ में अंतिम है भूमि सुधार उस माता के खिलाफ जिन्होंने सभी मिलकर साजिश रचकर मेरी हत्या करने का प्रयास किया था, और मैं किसी तरह ईश्वर की कृपा से बच गया हूं, और फिर इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कारण लड़ता आ रहा हूं। आप लोग भी भ्रष्टाचार के कारण अवश्य लड़ेंगे, जिससे भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। यदि हम लोग शिकायत नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार के कारण हम लोगों को कितना दबा जाता है आप लोग जान ही रहे हैं। हर कार्यालय में भ्रष्टाचार प्रायः होता आ रहा है, कहना कठिन है कि कहां भ्रष्टाचार अब नहीं होता है। इस प्रकार आप लोग जो भी पॉइंट टू पॉइंट आवेदन लिखेंगे उसके बाद लिख देंगे अंत में, अतः श्रीमान से करवत प्रार्थना है कि वर्णित प्रतिवारी के विरुद्ध वाद स्वीकार कर हो रहे मूल दिव्यांग के परिवार पर हो रहे अत्याचार पर निष्पक्ष जांच करवा कर दोषी पर न्यायिक कार्रवाई करवाने की कृपा की जाए, जिससे मूल दिव्यांग के परिवार के जान माल इज्जत आबरू एवं संपत्ति की सुरक्षा हो सके एवं मूल दिव्यांग के परिवार को ससमय न्याय मिल सके। यह मैंने हस्ताक्षर करके अपना डेट दिया है, मैंने 9/1/2022 को यह परिवाद पटना हाईकोर्ट को भेजा था। उसके बाद मैंने वहाँ भी पटना हाईकोर्ट में भी RTI इस संबंध में मैंने RTI लगाया था 28/1/2022 को। आप लोग देखें, इसी संबंध में मैंने RTI लगाया, जिस पर पटना हाईकोर्ट के PIO का जवाब भी प्राप्त है। आप लोग इसे भी देख लें, देखिए यह हमारा नाम है। उसके बाद इसको इस पिटीशन डेटेड 9/1/2022 को मैंने यह आवेदन किया था SP कोर्ट से, और इसे SP मधेपुरा को फॉरवर्ड कार्रवाई के लिए कर दिया गया है। आप लोग इसे देख लें, यह पटना हाईकोर्ट के PIO द्वारा मुझे
प्राप्त है सूचना। इस प्रकार आप लोग भी अगर किसी पीआईयू या किसी लोक सेवक के विरुद्ध अगर कोई शिकायत हो या कोई किसी भी तरह परेशानी की जाती है तो आप लोग डाक के माध्यम से भी माननीय मुख्य न्यायाधीश अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट को एक शिकायत कर सकते हैं। मैंने भी यह पत्र के द्वारा भेजा था जिस पर कार्रवाई चल रही है। आशा है मुझे शीघ्र ही न्याय मिलेगा। और आप लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक आप लोग भी भ्रष्टाचार के कारण आरटीआई करेंगे, जिससे जनता जागरूक हो सके और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। जय हिंद।